साथियों, आज झारखंड की बुलंद पहचान देश और दुनिया में है, लेकिन जरा एक बार 5 साल पहले की क्या स्थिति थी उसको जरा याद करिए। कांग्रेस और जेएमएम के राज में यहां से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, लूट की खबरें आती थी। इन दलों के अनेक शीर्ष नेताओं पर आज भी भ्रष्टाचार के केस अदालतों में चल रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक का सौदा कर दिया था। उस दौरान यहां क्या क्या खेल खेले गए इसकी जानकारी आप सभी को है। भाई और बहनों, 5 वर्ष पहले तक झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी चर्चा में रहता था। सिर्फ 15 साल में जमशेदपुर के पढ़े लिखे लोग पूरे झारखंड में ये बात पहुंचाइए, सिर्फ 15 साल में झारखंड ने 10 बार मुख्यमंत्रियों को बदलते हुए देखा है। 15 साल में 10। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, 13 साल अकेला था। और उस स्थिरता का परिणाम है कि आज गुजरात कहां से कहां पहुंच गया। यानी जितनी तेजी से झारखंड का मौसम नहीं बदलता था, उतनी तेजी से यहां मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। इस अस्थिरता के लिए भी मूल रूप से कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ, निजी स्वार्थ यही जिम्मेदार रहा है। लेकिन भाजपा ने अस्थिरता के इस दौर पर रोक भी लगाई और पहली बार 5 वर्ष तक एक ही मुख्यमंत्री झारखंड को दिया। इसी स्थिरता का परिणाम है कि नक्सलवाद पर प्रभावी कार्यवाही हो पा रही है, बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल बन पाया है। इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए, इस माहौल को बनाए रखने के लिए झारखंड पुकार रहा है भाजपा सरकार दोबारा। साथियों, कांग्रेस जेएमएम के अवसरवादी गठबंधन को यहां की स्थिरता रास नहीं आती, इसलिए वो एक अस्थिर व्यवस्था यहां चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इनका कारोबार फलता फूलता रहे।